भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम को पकड़ने के लिए भारत सरकार ने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इसके तहत सरकार ने 50 लोगों की एक स्पेशल टीम को दाऊद के पीछे लगा दिया है। खबरों के मुताबिक यह टीम दाऊद के हर कदम पर बारीकी से नजर रखेगी। खबरें ये भी आ रही हैं कि कराची में रह रहा दाऊद इस खबर से थोड़ा डरा हुआ है। स्पेशल टीम दाऊद के काले कारोबार की भी गहराई से जांच कर रही है। माना जा रहा है कि इस वक्त दाऊद की ताकत कम हो गई है, क्योंकि दाऊद कुछ समय से बीमार चल रहा है, जिसकी वजह से वह अपने कारोबार को संभालने में दूसरे लोगों की मदद ले रहा है। ऐसे में भारत सरकार दाऊद की कमजोरी का फायदा उठाकर उसे पकड़ने की पूरी कोशिश में जुट गई है। इससे पहले CBI ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए पाकिस्तान से संपर्क किया था। महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध में CBI ने इस मामले को अपने हाथ में लिया था। मिली जानकारी के मुताबिक CBI न्यायिक अनुरोध पत्र लेटर रोगेटरी पाकिस्तान, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात को भेजा है, जिसमें दाऊद के गुटखा धंधे के बारे में जानकारी मांगी गई है। यह धंधा उसका भाई अनीस इब्राहिम चलाता है। अनीस पर ऐसा आरोप है कि उसने 2002 में 2,16,000 में गुटखा पाउच बनाने की मशीनें खरीदी थी और फिर अन्य सहयोगियों की मदद से कराची भेजा गया था। दाऊद को पकड़ने के लिए भारत हर संभव कोशिश कर रहा है, लेकिन दाऊद अभी भी भारत की नजरों से काफी दूर है। फिलहाल 50 लोगों की स्पेशल टीम दाऊद को घेरने में जुट गई है। देखते रहिए DB Live।